हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आदम। 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेज। तो आज का फंक्शन किस लिए हो रहा है? जो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैम्पियनशिप में गए थे, उन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज अपने ही हैं, 10,000 मीटर में भी, 5 में भी और 800 1500 में भी। तो उनका मोटिवेशन के लिए जो मेडल दिया है, उन बच्चों को बुलाया आपके सामने, जिससे जो सभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी पता लगे कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो अब उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हैं और हम उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं कि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में बेस्ट करें। अभी हम उन एथलीटों का मोटिवेशन करेंगे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे पहले हिस्सा लिया है और चैंपियन बने। तो हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले 10,000 मीटर का जो नीरज कुमार, नीरज चोपड़ा का आपने सबने नाम सुना है, उसी का नाम राशि है नीरज कुमार, जो 10,000 मीटर में चैंपियन बना। बजाओ ताली। इधर, हाँ, शाबाश, गुड। क्या टाइमिंग आया तुम्हारा? वेरी गुड। कंपटीशन से सेटिस्फेक्शन है? खुश हैं आप? अभी किसकी तैयारी है? स्टेट चैंपियनशिप में भी आपको गोल्ड लेना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये है नीरज कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई है, हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स। गुड। और ये है इनका गोल्ड, ये इनकी शुरुआत गोल्ड से हुई है, हमारी एकेडमी के एथलीट होगी। गुड, गुड लक, चलो गुड। तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत किया जा रहा है मिस्टर नितिन कुमार। इनको ट्रॉफी और मेडल दोनों मिले हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है। एक ही कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने ही एकेडमी के बच्चे हैं। ये इनकी ट्रॉफी है और इनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। गुड लक, आने वाले स्टेट में अच्छा करेंगे। गुड लक, शाबाश। गुड, स्टेट में गोल्ड लेने की कोशिश करेंगे। हैं? जी सर। गुड, वेरी गुड, क्या बात, बताओ ताली भाई। ओके भाई, इस एथलीट का स्वागत करो तालियों के साथ, क्योंकि तीनों एथलीट गए थे और तीनों पहले मेडल में हैं। गुड। से ये है मिस्टर रवि कुमार, जो 8 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। गुड। बहुत बहुत बधाई है आपको। आ जाओ, ये इनका मेडल है और बहुत ही बहुत शुभकामनाएं आने वाले स्टेट के लिए। एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं, बजाओ ताली। अभी कंपटीशन हमारे से स्टार्टिंग है और कुछ ऐसे कंपटीशन हैं जो आप जीत रहे हैं। अब जनवरी 2022 आ रहा है, इसमें आने वाले बहुत बहुत बेस्ट कंपटीशन आपके लिए हैं और हम आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें से जो आने वाले एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ है, एशियन चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और जो आर्मी की भर्ती होने वाले हैं, वो सभी एक्सीलेंट आएंगे और अपनी अपनी जगह बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी कैप्टन अमरीश डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की एक बार जय बोलेंगे, क्योंकि एकेडमी आप सबकी। तो इस तरह से हम बेस्ट कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। जो भी कंपटीशन आपने लड़े और आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो बेस्ट चल रही है, सभी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे जैसे हमने ट्रायल ली है, जो 1600 मीटर वाले हमारे पास आए थे उनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, 800 1500 दौड़ना नहीं जानते थे वो भी आज बेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले उसमें आपकी एकेडमी बहुत अच्छी चमकेगी और देश के नौजवान इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसे हम भगवान से दुआ करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखा जाए, डिसिप्लिन पहली चीज़ है, पहली प्राथमिकता हमारे। जिसका डिसिप्लिन अच्छा होता है वो देश के लिए मेडल भी लाता है और अच्छा काम भी करता है। अगर भर्ती में भी जाएगा तो पहली भर्ती में ही हो जाएगा। डिसिप्लिन आपकी पहली सीढ़ी है जब आप सफलता की तरफ चढ़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे नीरज चोपड़ा, हम उसके साथ थे, हमने भर्ती भी उसे किया था। वो एक ऐसा लड़का था, ओलंपिक से पहले जो उसका टारगेट था कि उसके पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल ना होने के कारण
कि उसका फोकस अपने टारगेट की तरफ था और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था, क्योंकि पूरा देश उसकी तरफ उम्मीद से खड़ा था और उन उम्मीदों पर खरा तभी उतरा जब उसने सारी चीज़ें लेफ्ट राइट की छोड़ दी। मोबाइल से परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी सिर्फ इतनी होती है कुछ ऐसे फ़ोन आपके पास आते हैं जब आप 2 मिनट की जगह 2 घंटे तक लगे रहते हैं, तो वो आपके एनर्जी को वेस्ट करता है। जितना अच्छा है उतना ख़राब भी है, इसका इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितना आपके लिए अच्छा हो। आपको बात करनी है थोड़ी कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन ऐसे कई एक दो बच्चे हैं जैसे हमारे यहाँ पे यादव है, हर वक्त मैं देखता हूँ मोबाइल पे लगा रहता है। शायद हो सकता है वो पढ़ाई कर रहा हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ाई से नेगेटिव की तरफ जाता है, पढ़ाई की जगह किसी और जगह बात करता है 2-2 घंटे कोने में बैठ के, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मोबाइल बैन किया जाता है, अभी तक हमने बैन नहीं किया है। आप लोग समझदार हैं सभी और सभी 18 के ऊपर हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, जो नए बच्चे हमारे पास आए हैं वो तभी सीखेंगे जब आप उनको सिखाएंगे। इसलिए शुद्ध वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुड, लाइन तोड़।